कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट होंगे। और मैं अंकिता शर्मा आप लोगों का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बातें कुछ काम की। तो हम बातें आज भी काम की ही करेंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी द थिंग्स आई लाइक अबाउट कैनेडा। आई एम जस्ट लविंग कैनेडा। और आज मैं ऐसा क्यों कर सकती हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 ईयर हो चुका है, अराउंड 1 ईयर हो चुका है। तो मुझे लगता है कि मैं अब एलिजिबल हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि यहाँ पे क्या क्या अच्छा है। और सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूँ तो ये कंट्री में आपको क्या होता है, जब हम इंडिया से या कहीं किसी और कंट्री से अपनी दूसरी कंट्री में आते हैं, हमें लगता है कि बहुत होम सिकनेस होगी, लोनलीनेस फील होगा, बट दिस इज इनकरेक्ट थिंग। कैनेडा एक ऐसी कंट्री है विच इज फुल ऑफ इमिग्रेंट्स, मल्टीकल्चरल कंट्री है, आपको यहाँ कभी भी होम सिकनेस नहीं फील होगी। एज हम सबको पता है, एज अ इंडियन हम सबको पता है कि कैनेडा इज नोन एज सेकेंड पंजाब। सो पंजाब सेकेंड पंजाब है, इसीलिए हमें तो वैसे ही फील नहीं होता है कि हम लोग कहीं बाहर हैं, बहुत अच्छा सा फील होता है। एंड इसीलिए मुझे कैनेडा में पहले तो होम सिकनेस बिल्कुल भी नहीं हो रही। सेकेंड चीज अगर मैं कहूँ तो ये कंट्री जो है, यहाँ के जो लोग हैं ना, दे आर वेरी पोलाइट। वो आपको कहीं भी उनके फेस पे ना, दे आर वेरी फुल ऑफ पॉजिटिविटी ऑलवेज, उनके चेहरा हर टाइम आपको बिल्कुल स्माइलिंग फेस के साथ होगा। और जहां भी मिलेंगे बहुत अच्छे से ग्रीट करेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। और जो गर्ल्स को तो खासकर बहुत अच्छा लगता है कि कोई उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स दे। तो यहाँ के लोग ना, अगर आप कुछ, आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक दिन इंडियन अटायर पहना था, सो समबडी गिव मी अ कॉम्प्लीमेंट एंड आई जस्ट लव्ड इट। बिकॉज यहाँ के लोगों में ये नहीं है कि किसी के साथ बात नहीं करनी है, कॉम्प्लीमेंट्स नहीं दे सकते या कुछ भी है, मतलब बहुत अच्छे हैं, मिलनसार लोग जिन्हें हम कहते हैं, उस तरह के लोग होंगे। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी यहाँ पे, जब मैं बिल्कुल न्यू आई थी कैनेडा के अंदर, तो क्या था कि हम एक दिन रोड क्रॉस कर रहे थे एंड यहाँ पे लोग क्या करेंगे, अगर आप रोड क्रॉस कर रहे होंगे ना, तो वो सबसे पहले अपनी कार को रोक देंगे और उसके बाद पहले आपको क्रॉस करने देंगे, फिर वो क्रॉस करेंगे रोड। सो विच इज अ वेरी गुड थिंग, वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे कहते हैं जो लोग पैदल चलने वाले होते हैं ना, उनकी ज्यादा वैल्यू होती है। सो अच्छा, तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है, फोर्थ नंबर जो यहाँ की गवर्नमेंट है, वो बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत केयरिंग है अपने लोगों के लिए। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हैंडीकैप्ड लोग हैं, उनके लिए यहाँ पे बहुत अच्छा सा, जैसे अगर आप बस से जाते हैं तो वहाँ प्रॉपर सीट्स होती है हैंडीकैप्ड लोगों के लिए। या फिर सबसे पहले अगर मैं कहूँ, मॉल्स अगर हम जाते हैं या कहीं पे भी, कोई भी अगर बिल्डिंग्स में हम यहाँ जाते हैं, चाहे वो रिक्रिएशन सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे ऑटोमेटिक डोर्स होते हैं, सो दैट कि हम जस्ट बटन प्रेस करें और वो अंदर जा सकते हैं जो हैंडीकैप्ड लोग हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छा मुझे यहाँ पे लगता है कि वो सोचते हैं। फिफ्थ चीज, बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा केयर है यहाँ, बहुत सोचते हैं बच्चों के लिए। अगर मैं कहूँ, जैसे कि जितने भी, अगर आप देखिए गवर्नमेंट है वो सब्सिडी प्रोवाइड करती है। अगर आप पीआर पे हैं, यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट हैं आप यहाँ के, तो आपको सब्सिडी इनिशियली, जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे, आपको आपको सब्सिडी मिलनी शुरू हो जाएगी। सैलरी के ऊपर बेस्ड होता है कितनी सब्सिडी आपको मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप $5,000 अर्न कर रहे हैं, तो आई थिंक 500 to 700 की रेंज के बीच में आपको सब्सिडी मिलती है डॉलर्स। और अगर आप वर्क परमिट पे हैं तब भी आपको सब्सिडी मिलेगी, बट उसके लिए आपका एक वर्क पीरियड का टाइम पूरा होना चाहिए, जैसे 2 ईयर्स का आई थिंक होता है टाइम, उसके बाद आपको सब्सिडी मिलनी शुरू हो जाएगी। एंड इट्स नॉट अबाउट कि आपका अगर 1 किड है उसी को सब्सिडी मिलेगी, इट्स अबाउट अगर आपके 4 बच्चे भी हैं, ओनली देन भी आपको सब्सिडी के लिए आप एलिजिबल हो। सो ये चीज भी बहुत अच्छी है। देन मैं कहूंगी, अगर सिक्स बात मैं कहूँ आपके साथ, तो मुझे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी अच्छा लगता है। इन द सेंस यहाँ पे एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, अगेन बच्चों के लिए बहुत ध्यान रखते हैं, बच्चों की केयर है प्रॉपर, बच्चों के लिए एजुकेशन बिल्कुल फ्री है टिल क्लास 12, कोई खर्चा नहीं है, तो वो भी एक अच्छा पॉइंट है आपके पास। तो सेवंथ चीज अगर मैं कहूंगी, हेल्थ केयर बहुत बिल्कुल अच्छी है, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन बहुत अच्छी प्रोवाइड की जाती हैं, और मोर ओवर वो फ्री है। अगर चाहे आप, उसके केस में ये नहीं है कि आपको परमानेंट रेजिडेंट ही होना पड़ेगा, चाहे आप परमानेंट रेजिडेंट हैं, चाहे आप वर्क परमिट पे आए हैं, आपको हेल्थ केयर बिल्कुल फ्री है। जैसे कि आपको क्या करना होता है, जैसे आप लैंडिंग कर चुके हैं, उसके 3 मंथ्स के अंदर अंदर आप एलिजिबल हो जाते हैं अपने हेल्थ केयर कार्ड बनाने के लिए। उसके बाद आप कुछ भी, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, गवर्नमेंट उसका ध्यान रखती है, पूरा खर्चा गवर्नमेंट करती है, आपको सिर्फ मेडिसिन के लिए पे करना होता है, रेस्ट आपको कुछ पे नहीं करना होता है। एंड मोर ओवर अगर आप
जैसे कुछ लोग होते हैं उनका अगर लेट्स से अभी आप आए हैं और आपको 3 months नहीं हुए हैं लेकिन आप इंडिया से या जिस कंपनी के थ्रू आप आ रहे हैं आप उनसे भी इंश्योरेंस ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम लोग आए हैं तो मेरे हस्बैंड को ऑलरेडी उनके ऑफिस से मेफेयर इंश्योरेंस प्रोवाइड की गई है. मेरे पास अभी अपना हेल्थ कार्ड नहीं है बट सून वो आ जाएगा. सो ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि अगर यहाँ पे मेडिसिन आपको हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अफोर्ड इट. सो इसीलिए अगर आप आ रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर आप अपनी इंश्योरेंस प्रॉपर बनवा के लेकर आइए. इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे. नेक्स्ट चीज़ अगर मैं कहूँगी यहाँ पे जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो है ड्राइविंग. बहुत अच्छा है ड्राइविंग के लिए. रोड्स इतने सुंदर और इतने क्लियर रहते हैं तो आपको उस चीज़ में कोई टेंशन लेने की. सो एट्थ पॉइंट अगर मैं कहूँगी आप लोगों के साथ तो मैं ये कहूँगी जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे बच्चों के लिए काफ़ी केयर की जाती है. बच्चों की गवर्नमेंट ने बहुत रूल्स बनाए. फॉर एग्जांपल आप कहीं के लिए ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको हर टाइम बच्चों को बूस्टर पे लेके जाना है. मतलब उनके लिए एक बेबी चेयर होती है कार के अंदर जो रखी जाती है और बूस्टर्स आपको यूज़ करने हैं और उस पर सीट बेल्ट ट्राई करनी है. अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी बिकॉज ये जो कंट्री है दिस कंट्री इज़ क्वाइट स्ट्रिक्ट फॉर देयर रूल्स. अगर आप रूल्स अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं लेकिन अगर आप रूल्स अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं देन यू हैव टू पे अ पेनल्टी फॉर ईच एंड एवरीथिंग. सो ये एक अच्छी चीज़ है बच्चों को सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर मैं कहूँगी. सो नेक्स्ट अगर मैं कहूँ आपके साथ मैं बच्चों की अगर बात करूँ तो यहाँ पे बच्चों के लिए लाइब्रेरी में बहुत सारे प्रोग्राम डिज़ाइन किए जाते हैं. जैसे कि एक अर्ली ऑन प्रोग्राम है जिसके लिए मैंने सावी को भी एनरोल करवाया था. जब मैं आई थी मैंने विद इन अ वीक सावी को लाइब्रेरी ले जाना शुरू कर दिया था. उससे क्या होता है कि बच्चा सोशलाइज करता है न्यू कल्चर के अकॉर्डिंग, देखता है, सीखता है बहुत चीज़ें. तो हमें था कि हम उसको सोशलाइज करवाते हैं तो हम उसको रोज मैं उसको लाइब्रेरी 2 hours के लिए लेके जाती थी. और लाइब्रेरी में जो अर्ली ऑन प्रोग्राम है वो इन्फेंट से शुरू होता है और टिल 5 years की एज तक रहता है. आपको उसमें कोई पैसा नहीं देना है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. इनफैक्ट वो आपको एक स्नैक भी देते हैं डेली, वो एक स्नैक आपको प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग दैट पीरियड जब आप वहाँ पे रहते हैं. और साथ में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जो बच्चे के अकॉर्डिंग डिजाइन की जाती है. जैसे कभी कोई एक्सपेरिमेंट्स करवाएंगे वो बच्चे एज के अकॉर्डिंग, राइम्स करवाते, कलरिंग एक्टिविटीज होती है, बहुत सारे टॉयज बच्चों को देते हैं, डो से कुछ बनवाते हैं. मतलब वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटीज होती है जिसकी वजह से आपका बच्चा बहुत अच्छे से इंडल्ज रहता है वहाँ पे, इन्वॉल्व रहता है. एंड मोर ओवर इट्स नॉट अबाउट द किड्स ओनली. लाइब्रेरी में और भी बहुत से प्रोग्राम्स हैं. फॉर एग्जांपल कोई न्यू है और उसको पीआर लेनी है और उसको इंग्लिश नहीं आती है तो इंग्लिश के लिए पर्टिकुलरली क्लासेस है जो आइल्स के लिए हम कहते हैं, वो पर्टिकुलर क्लासेस देते फ्री ऑफ कॉस्ट. इट्स नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट टू द वर्क परमिट लोग, लेकिन जो पीआर वाले लोग होते हैं जैसे कोई हस्बैंड है किसी के पास पीआर है, उनकी वाइफ को भी कुछ अपना आइल्स देना है या कुछ है, तो उनके लिए इंग्लिश क्लासेस बिल्कुल फ्री होती हैं. और भी बहुत प्रोग्राम्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब तब भी वो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेल करवाने में हेल्प करते हैं. सो दिस थिंग, ये जो आप चीज है ये भी मुझे बहुत पसंद है. देन नाइन्थ थिंग अगर मैं कहूँगी यहाँ पे कि मुझे क्या पसंद है, भैया हम लोग इंडियंस हैं, हम बहुत फूडी होते हैं और हमें स्पाइसी स्पाइसी चटके चटके वाला खाना बहुत पसंद है. सो अगर आप इंडियन हैं आप यहाँ पे खाना बिल्कुल मिस नहीं करेंगे क्योंकि आपको यहाँ बिल्कुल स्पाइसी फूड मिलेगा. क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे इंडियन आप कहेंगे जो हमारे इंडियन में चेन्स चलती हैं, फ्रेंचाइजीज हैं, वो यहाँ पे सारी हैं. तो आपको कभी भी खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जो खाना चाहते हैं A to Z आपको मिलेगा. सो जो 10th चीज है ना वो यहाँ की सबसे अच्छी क्या है, बहुत ठंड रहने की वजह से भी आप लोग बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं बिकॉज पूरा जो घर है वो सेंट्रल हीटिंग से होता है एम्बेडेड, तो आपको बिल्कुल ठंड लगने का चांस नहीं है अंदर. तो इनफैक्ट आप सिंगल लेयर्स में ही घूमते हैं, मैंने आपको अपनी एक वीडियो में भी ये बात बताई थी. सो यहाँ पे सेंट्रल हीटिंग होती है, आपको ठंड बिल्कुल भी नहीं लगेगी अगर आप अंदर होते हैं. और 11th चीज अगर मैं यहाँ पे कहूँगी जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में, जॉब अपॉर्चुनिटीज हर यहाँ पे कोई भी इंसान भूखा नहीं रह सकता. हर एक टाइप के लोग, हर एक क्वालिफिकेशन के लोगों के लिए यहाँ पे जॉब है. जो बेसिक जॉब्स होती हैं उनमें भी इंसान बहुत अच्छे से सर्वाइवल कर सकता है यहाँ पे. लेकिन ऑब्वियसली जो हाई अर्निंग जॉब्स होती हैं उनमें आप सर्वाइवल ही नहीं, बहुत अच्छे से हाई स्टैंडर्ड लाइफ जी सकते हैं. आप हर एक वो चीज़ अपने लिए यूज ले सकते हैं जो हम लोग इंडिया में बहुत बार सोचते हैं लेने से पहले. सो वो एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आप
अच्छी हाई क्वालिटी की जो लाइफ है वो आप यहाँ जी सकते हैं अगर आप अच्छा अर्न कर रहे हैं यहाँ पे. और सो ट्वेल्थ अगर मैं चीज़ कहूँगी कि वैल्यू फॉर टाइम बहुत है यहाँ पे. फॉर एग्जांपल मैं आपको अपना ही एक एक्सपीरियंस बताती हूँ. मेरी एक फ्रेंड है, शी वेंट फॉर एन इंटरव्यू, तो उसने मुझे मेरे साथ ये बात शेयर की कि अंकिता इतना अच्छा लगा कि दे वैल्यू फॉर टाइम एक्चुअली. तो जब वो इंटरव्यू देने गई तो शी स्पेंट 3 days देयर एंड पर डे 2 आवर्स उसने लगाया, 2 भी 3 भी आवर्स लगाया होगा. सो वो जहाँ पे वो इंटरव्यू देने गई ना, दे पेड हर जो भी वो टाइम के लिए वहां पे आई थी. फॉर एग्जांपल बेसिक जो यहाँ पे दिया जाता है दैट इज $14 or $15 यहाँ पे दिया जाता है पर आवर के हिसाब से अगर मैं कहूँ. तो वो जो थी लेडी वो 2 आवर्स के लिए अगर कहीं पे गई, जो मेरी फ्रेंड थी, वो 2 आवर्स के लिए डेली 3-4 दिन के लिए इंटरव्यू के लिए गई. कभी ओरिएंटेशन हो रही थी, कभी फेस टू फेस, कभी रिटन टेस्ट, जो भी था. तो 2 आवर्स के हिसाब से उसको $30 एवरी डे जो 3-4 दिन उसने लगाए उसको उसका पे किया. सो वो चीज कितनी अच्छी लगती है कि दे वैल्यू फॉर टाइम, कि कोई अपना टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है तो वो उसके लिए उसका ध्यान रख. ना भूल चुकी हूँ कि लाइक करिए मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है, एंड अगर आपको सही में अच्छा लगता है ना प्लीज डू सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर द लव यू आर गिविंग मी. बाय बाय, एंजॉय.